गुरुग्राम विधानसभा से आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आरएस राठी ने एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राठी ने गुरुग्राम में विकास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सबसे पहले तो गुड़गांव टीम का और पार्टी पीएससी का, अरविंद केजरीवाल जी का, सुशील गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया। और रही बात तैयारी की, हम पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर 20 सालों से, और आगे गुड़गांव की जनता को यही बताना है कि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हवाबाजी बनाई है, विज्ञापन दिए हैं या झूठ बोली है। तो हम कहते हैं कि गुड़गांव में अगर आपको रियल में विकास करना है तो दिल्ली मॉडल को अडॉप्ट करिए, और वही मॉडल हरियाणा में आम आदमी पार्टी लेके आएगी और उसी हिसाब से काम करेगी। क्या लगता है कि गुरुग्राम में विकास हुआ है? बीजेपी जिसकी बात कर रही है कि विकास हुआ है, 75 पार जाएंगे, हमारे काम बोलेंगे, क्या लगता है? देखो, गुड़गांव में तो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया कि गुड़गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। 3 फ्लाईओवर बनाए हुए हैं, तीनों फ्लाईओवर के किसी की ड्रेन टूट गई, किसी की छत टूट गई, कहीं छेद हो चुके हैं, और वो इनका क्रेडिट नहीं जाता, वो नेशनल हाईवे का है बनाने के। उसके बाद इन्होंने सर 100 कमरों का होटल बनाया, उसके बाद हॉस्पिटल टूटा पड़ा है, बंद कर दिया, बस स्टैंड के ऊपर पर्चा लगा दिया है कि भी ये खतरे से खाली है, कोई इसके अंदर ना जाए। उसके बाद और चीज़ें हैं, स्कूल जिन्होंने कोई नहीं है। गुड़गांव में ये कहावत है कि शराब के ठेके ज़्यादा हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल कम है, तो इन्होंने किसी तरह का गुड़गांव में कोई विकास नहीं किया। तो दिल्ली में मॉडल है, स्कूल की बात करें, बिजली पानी की बात करें, क्या गुरुग्राम में इस तरह से कर पाएंगे आम आदमी पार्टी अगर मौका मिला तो? हाँ, तो मौका मिला तो क्यों नहीं करेंगे, जब दिल्ली कर सकते हैं तो गुड़गांव में तो और भी बेहतर है, क्योंकि हरियाणा में, दिल्ली में तो सरकार हमारी आधी है, क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ज़मीनें नहीं है, हरियाणा के अंदर तो ज़मीनें भी हैं, लॉ ऑर्डर भी है, तो हम उससे बेहतर करेंगे। और पूरी तरह से गुड़गांव में तो बजट की भी कमी नहीं है। राठी साहब, कौन से मुद्दे होंगे जो आप उनको लेकर चलेंगे गुरुग्राम के? तो हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कॉलेजेस हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे के सारे मुद्दे हैं गुड़गांव में। और सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, किसी की पेंशन है, विधवा पेंशन है जैसे दिल्ली में देते हैं, और वो सारे सारे मुद्दे हैं जो दिल्ली के मॉडल पर काम करें। बीजेपी ने काम नहीं किया इन मुद्दों पर? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। आप गुड़गांव में किसी भी नागरिक से पूछ सकते हैं कि बीजेपी ने इन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ विज्ञापन देती है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। तो आपके साथ काम करने के लिए आएगा? हाँ, निचोरली वो आएगा, जब जैसे नॉमिनेशन फाइल स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट कर देगा शीर्ष नेतृत्व पूरे हरियाणा में।